ऑब्जेक्ट का अलग है, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ पीछे हो जाओ, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, या ऐसे ऐसे नहीं बोलेंगे आप, वेव तो ऐसे ही ट्रांसफर हो रही है हॉरिजॉन्टली, क्योंकि मैं यहाँ पे झटका दे रहा हूँ तो उसके हाथ पे एक्सैक्ट लग रहा है, समझ रहे हो ना, तो ऐसी ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ऐसी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर अच्छे से देखोगे हर एक पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है, क्या मानते हो? Yes, sir. तो पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ पार्टिकल क्या कर रहा है अपनी जगह पे, हर पार्टिकल सेमी एसेंशन दे रहा है या अलग अलग, अलग अलग, हर एक पार्टिकल का एसेंशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, समझ रहे हो ना? Yes, यहाँ पे देखो अब मैं झटका चेंज कर देता हूं, पहले एकदम स्लोली झटका दे दिया, तो देखो एक वेव फॉर्म हो गई, ठीक है। अब एक्चुअल में मैंने कल क्या बोला था, जब सोर्स चेंज करते हैं तो क्या चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी, मैं स्ट्रीम चेंज कर रहा हूँ क्या, तो वेवलेंथ वही की वही रही, समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखो मैं झटका अगर बदल दू तो यहाँ पे देखो जो एम्पलीट्यूड फॉर्म होगा, फ्रीक्वेंसी क्या रहते हैं, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, पर सेकंड, पर सेकंड, तो यहाँ पे हर सेकंड में अगर मैं झटका चेंज करूं तो हर सेकंड में जो साइकल्स फॉर्म हो रही है वो चेंज हो जाएगी, है कि नहीं? Yes, मैंने बताया था सन से जो लाइट निकलता है और जो बल्ब से लाइट निकलता है उसमें डिफरेंस क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि मैंने क्या चेंज कर दिया, समझ रहे हो ना? लेकिन जो लाइट वेलोसिटी ट्रेवल करेगा वो सेम ही रहेगा इन केस ऑफ सन एज वेल एज, यहाँ पे देख रहे तो सीख नहीं पाएगा पार्टी जी, सन एज वेल एज बल्ब, उसका क्या सेम रहेगा, वेवलेंथ, अगर सेमी मीडियम में लाइट ट्रेवल हो रहा तो चेंज क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, इतनी बात समझ में आई? Yes, तो अब देखो मैं झटका चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे जो ऑसिलेशन फॉर्म हो रहे हैं, जैसे जैसे मैं झटका चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो ऑसिलेशन फॉर्म हो रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं, देखो यहाँ पे है कि नहीं, अगर ज्यादा करो तो ज्यादा ऑसिलेशन फॉर्म होंगे, क्लियर है? Yes, समझ में आ रही बात? Yes, इसका मतलब क्या हुआ, झटका चेंज किया तो क्या चेंज हुआ, सोर्स चेंज किया, सोर्स चेंज किया तो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, नहीं समझे आप? समझे पक्का? Yes, अच्छा, अगर मैं स्ट्रिंग और कुछ लेता तो क्या चेंज होता, वेवलेंथ, समझ रहे हो ना? Yes, क्या चेंज हो जाता, ओके, वेवलेंथ उतनी मिल रही है, देखो क्रिस्टल ट्रंप जो फॉर्म हो रहा है वो उतनी ही लेंथ पे फॉर्म हो रहा है, क्लियर है? लेकिन चेंज क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड जो फॉर्म हो रहे ना वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, क्लियर है? Yes. कल मैंने आपको एक इक्वेशन डिराइव किया था लास्ट में, है ना, उसका देखते हैं। अब यहाँ पे ये मान लेते फर्स्ट पार्टिकल है और यहाँ पे देख लेंगे वो आपको ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक कलर बीच में, वो है सेकंड पार्टिकल, ठीक है, पीछे वालों को नहीं दिख रहा है तो आप खड़े रहेंगे, तो वो है सेकंड पार्टिकल। अब जब मैं यहाँ पे झटका दूंगा, ठीक है, यहाँ पे जो झटका दूंगा क्या वही यहाँ पे जो मोशन दिख रहा है वही सेम मोशन वो कुछ टाइम बाद रिपीट कर रहा है। देखो यहाँ पे अगर क्रिस्ट फॉर्म हो रहा है तो वहां पे कुछ टाइम बाद क्रिस्ट फॉर्म हो रहा है, देखो ये क्रिस्ट फॉर्म हो वहां पे फॉर्म हो, इतना तो मानते हो, मतलब इस पार्टिकल का कुछ डिस्प्लेसमेंट रहेगा टी टाइम पे, तो कुछ मान लीजिए 5 सेकंड बाद वही सेम डिस्प्लेसमेंट क्या वो पार्टिकल दिखाएगा, नहीं समझे? समझे पक्का? मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो ओरिजिन वाला पार्टिकल है जो डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है वो आगे वाले पार्टिकल्स भी कुछ टाइम बाद दिखा रहा है, ठीक है? तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस पार्टिकल का टी इक्वल टू 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कुछ तो भी था, t equal to 2 सेकंड पे ये पार्टिकल हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, ऐसे चेंज कर रहा है, तो किसी भी t टाइम पे पार्टिकल का मीन पोजीशन कौन सी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये जो पार्टिकल है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट ही क्या कर रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, यस और नो? तो हाथ को मत दिखा, समझ रहे हो? ऑसिलेट कर रहे हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, समझ में आ रही ना? मतलब अगर मुझे किसी भी टी टाइम पे इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है उसका इक्वेशन आपको पता है क्या रहता है, ए
साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस समझ रहे हो ना yes, तो मान लेते टी एट एनी टाइम टी इसका डिस्प्लेसमेंट है ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या उतना ही डिस्प्लेसमेंट कुछ टाइम के बाद उसका भी रहेगा जो कि कितना रहेगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस समझ रहे हो yes, पक्का yes, तो मान लेते उसका इक्वेशन है ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बाय टू सेकंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा ए साइन ऑफ ओमेगा इन टू टी कितना रखोगे अभी टू प्लस फाइव कहां से डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस से और वो वाला पार्टिकल मान लेते हैं कि वो एक्स डिस्टेंस पे कितनी डिस्टेंस पे है yes. वो वाला पार्टिकल है एक्स डिस्टेंस पे अगर वो वाला पार्टिकल एक्स डिस्टेंस पे है तो जो एक्स डिस्टेंस पे पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ टाइम बाद उतना ही दिखाएगा जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी ए साइन ऑफ ओमेगा टू प्लस फाइव ओमेगा टू इक्वल टू टू उतना ही डिस्प्लेसमेंट वो दिखा रहा है डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है इतना तो समझ गया मान yes, लेते वेव यहां से लेके वहां तक ट्रेवल करने के लिए उसने कितने लिए 5 सेकंड कितने लिए 5 सेकंड तो यहां पे जो 2 सेकंड में दिखाएगा वो वहां पे कितने सेकंड बाद दिखाएगा 7 सेकंड 2 प्लस 5 7 सेकंड पे दिखाएगा 7 सेकंड पे दिखाएगा यस और नो यस सर इतना डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा 2 प्लस 5 समझ रहे हो यस सर तो उस 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं 7 माइनस 5 अब समझ में आया यस सर तो 5 क्या है इसने टाइम कितना लिया वहां तक ट्रेवल करने के लिए ठीक है तो मान लेते हैं v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव कुछ एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया जो एक्स डिस्टेंस ही ट्रेवल किया ना उसने हॉरिजॉन्टल तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो मुझे बताओ टाइम कितना आया डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब x by v x डिस्टेंस अपॉन v जो कि किसकी इक्वल है 5 सेकंड के 5 सेकंड लिया ना उसने तो 5 की जगह मैं x by v लिख सकता हूं फॉर्मूले में तो जो 7 माइनस 5 है 5 की जगह मैं क्या पुट करूंगा x by v और मुझे 7 सेकंड के लिए निकालना है मुझे किसी भी t टाइम पे निकालना मान लेते मुझे 20 सेकंड पे निकालना तो 7 की जगह क्या पुट करोगे अपन 20 नहीं समझा तो जो वो पार्टिकल 20 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा वही डिस्प्लेसमेंट ये वाला पार्टिकल कितने टाइम पे दिखाएगा 15 सेकंड पे 5 सेकंड पे नहीं समझ रहे हो आप इसने 2 सेकंड पे जितना दिखाया वो उसने 7 सेकंड पे दिखाया इसका मतलब यही हुआ ना उसने जो 7 सेकंड पे दिखाया ये इसने कितने सेकंड पे दिखाया 5 सेकंड पहले 2 सेकंड समझ रहे हो मैं अगर उसको 100 बोलूं 100 सेकंड पे वो कितना दिखाएगा वो वाला डिस्प्लेसमेंट ये वाला पार्टिकल कितने टाइम पे दिखाएगा दिमाग के अंदर जा रहा है yes, मतलब हमेशा जो डिफरेंस है वो तो 2 ही आने वाला 5 ही आने वाला समझ में आ रही है yes, वो चेंज नहीं हो रहा मतलब x by v की वैल्यू चेंज नहीं हो रही एट एनी टाइम की t चेंज कर सकते हैं तो अभी इक्वेशन क्या है एक जनरलाइज इक्वेशन किसी भी x डिस्टेंस पे मान लेते पार्टिकल है वो लास्ट वाला पार्टिकल है ना वो ब्लू लाइन दिख रही है आपको तो ब्लू लाइन का मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है एनी टाइम की तो क्या करोगे आप y इक्वल टू एक जनरलाइज फॉर्म आ गया आपको a sin ऑफ ओमेगा t माइनस x by v प्लस 5 दिमाग के अंदर चला गया यस सर पक्का यस सर सो दैट इज द सिनुसाइडल इक्वेशन ऑफ वेव